गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में भी हम बीमाओं की ही बात करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीयों की बीमा हमने कल बताई थी और कुछ की आज बताते हैं, बाकी आप यहाँ पर बैठ कर प्रैक्टिस करें। तो हम बात कर रहे थे कोणीय संवेग की। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, यानी द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। और ये जब आघूर्णबद्ध शब्द लगता है ना, इसका मतलब होता है लंबवत दूरी का गुणा कर देना। जैसे बल आघूर्ण, तो बल गुणा लंबवत दूरी। अब आपका रेखीय संवेग का आघूर्ण, तो रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। इसका मतलब कोणीय संवेग L इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लंबवत दूरी। और P क्या होता है सर? MV। और N परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो, चलो यार MV आ गया, आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो M वेलोसिटी L की टू पावर माइनस वन आर की L, और ये आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। तो ये विमा हो गई आपकी किसकी? कोणीय संवेग की। इसके बाद मान लीजिए आप कोणीय विस्थापन की बात करते हो। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कोणीय विस्थापन कोई नई चीज नहीं है। जो कोण होता है, यानी कोई घूमता हुआ पार्टिकल, किसी अक्ष के परतः चक्कर लगाता हुआ पार्टिकल जिस कोण से घूम जाता है, उस कोण को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ए पॉइंट से चला और बी पर पहुंच गया, तो इस समय जो सेंटर पे एंगल बना, इसे आप कोण थीटा कह रहे हो। ये चाप है, ये त्रिज्या है। तो कोण का फॉर्मूला जैसे पढ़ा है, तो कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब एस को भी भाई, ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, इसे भी मीटर में मेजर करोगे, इसे भी मीटर में मेजर करोगे, तो मीटर अपॉन मीटर, और मीटर अपॉन मीटर का मतलब एल अपॉन एल, एल अपॉन एल का मतलब डायमेंशन क्या हो गई? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी ये एक विमाहीन राशि हो गई। तो कोणीय विस्थापन या कोण के बारे में आप ये जान ले कि ये इसका मात्रक तो होता है, इसका जो मात्रक है वो आरबीटी यूनिट्स है। तो मात्रक होता है रेडियन डिग्री, लेकिन ये वैसे विमाहीन राशि है, इसकी विमा होती है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ऐसे ही अगर आप सॉलिड एंगल घनकोण की विमा निकालेंगे, हम घनकोण की बात करते हैं, घनकोण सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की बात करोगे तो सॉलिड एंगल में भी यही होता था। मैं पिछले वीडियोस में पढ़ाया है आपको कि ये कोई स्फीयर है और इस स्फीयर पे ये कोई एरिया है, तो इस एरिया की जो पेरिफेरी होती है उसका जो एक परिधि होती है, उसको हर पॉइंट को मिला दे तो ये जो कोण बनता है ये सॉलिड एंगल होता है। इसको मान लीजिए आप डी ओमेगा या ओमेगा मान करके चल रहे हो, और इस एरिया को डी ए मान के चल रहे हो, डिस्टेंस को आर मान के चल रहे हैं, तो ये डी ओमेगा जो पॉइंट होता था डी ए अपॉन आर स्फीयर। अब डी ए क्या चीज है भाई? एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर, यानी ये भी एल स्क्वायर, तो डायमेंशन इसकी भी क्या आ जाएगी? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसका मतलब ये भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसकी विमा नहीं है। कभी कभी एक क्वेश्चन बना देते हैं छोटा सा कि ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिन जो विमाहीन है लेकिन मात्रक उनके हैं। तो देखिए कोण हो गया, उसका मात्रक है रेडियन, विमा उसकी एम जीरो एल जीरो की जीरो, यानी विमा नहीं है। ऐसे घन कोण हो गया, उसकी भी विमा नहीं है और उसका मात्रक भी होता है स्टेरेडियन। तो आप बता सकते हो ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और भी हम बता सकते हैं आगे चल के, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसके मात्रक तो है लेकिन उसकी विमा नहीं है, वो विमाहीन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कोणीय विस्थापन। ऐसे ही आप कोणीय वेग की बात कर सकती हो। कोणीय वेग, कोणीय वेग का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप रेखीय वेग पढ़ते हो कि विस्थापन के परिवर्तन की दर, ऐसे ये हो जाएगी कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर।
इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कोण की विमा क्या होती है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और समय की कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की ये हो गई कोणीय वेग, ये हो गया समय की टी हो गई, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगी आपकी टी की पावर माइनस वन। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आप कर सकते हो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एसीलरेशन, एंगुलर एसीलरेशन, जिस तरह से आप एसीलरेशन की परिभाषा देते हो कि वेग परिवर्तन की दर, और यहां हो जाएगी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब एंगुलर एसीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू कोणीय वेग यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर। अब कोणीय वेग देखिए, मैंने ये पहले बता दिया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या उसके परिवर्तन की डायमेंशन सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो विमा कोणीय वेग की होगी वही विमा कोणीय वेग में परिवर्तन की हो जाएगी, यानी टी की पावर माइनस वन, और अपॉन में टाइम तो टी, और ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस के टू। तो इस तरह से ये कोणीय त्वरण की विमा निकल करके आ गई। अब मान लीजिए आप बात करना चाहते हो कोणीय संवेग आपका हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया। अब मान लीजिए आप बात करना चाहते हैं शक्ति की, पावर की। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं शक्ति, पावर। तो पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शक्ति के लिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो डब्ल्यू अपॉन टी, और वर्क डन की डायमेंशन आप निकाल चुके हो पहले, कितनी थी भाई वर्क डन की, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के टू अपॉन टाइम टी की। तो कुल मिला के इसे सॉल्व करोगे तो ये टी ऊपर चला जाएगा, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन किसकी निकल करके आ गई, शक्ति की डायमेंशन निकल करके आ गई। अब मान लीजिए आप बात करना चाहते हो किसकी, प्रेशर, दाब। तो दाब का क्या फॉर्मूला होता है, आप पहली क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं दाब, दाब से मतलब हो गया प्रेशर, प्रेशर। तो दाब P इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, F अपॉन A। बल की डायमेंशन आपने निकाली है एम एल टी की पावर माइनस टू, और क्षेत्रफल एरिया की एल स्क्वायर, आपकी डायमेंशन आ जाएगी एम, जब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की दो हो जाएगी और ऊपर प्लस की एक है, तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो ये किसकी विमा निकल करके आ गई, दाब की, प्रेशर की। इसके बाद देखिए दाब से मिलती जुलती फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो एक वर्ड और आता है, उसको कहते हो आप प्रतिबल। क्या आता है, प्रतिबल, प्रतिबल, स्ट्रेस। हम स्ट्रेस की डायमेंशन की बात करना चाहते हैं, प्रतिबल की डायमेंशन की बात। ये भी क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रतिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू बल फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि दाब और प्रतिबल एक ही चीज है, हाँ बिल्कुल एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस में क्या होता है कि दाब जब भी होगा तो बल बटे क्षेत्रफल पर जो बल होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा सतह के लंबवत होगा, जबकि प्रतिबल में जो बल होता है वो सतह के लंबवत भी हो सकता है, उसके टेंजेंशियल भी हो सकता है, यानी उसमें स्पर्श रेखा की दिशा में भी हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, यानी दाब, प्रेशर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, जबकि इसमें दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। इसका मतलब प्रतिबल इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, वही कोई फॉर्मूला आ गया सेम, तो विमा भी फिर आपकी सेम आ जाएगी, यानी इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो आप ये भी समझ गए कि भाई दाब और प्रतिबल दोनों की एक ही विमा होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लेते हैं विकृति, विकृति, स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए हिंदी मीडियम
वाली बच्ची भी थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते रहा करें, क्योंकि बाद में चल के हायर क्लासेज में फिर प्रॉब्लम आपको आएगी, इसलिए मैं साथ ही साथ लेके चलता हूँ। दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कवर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी कवर कर सकते हैं। विकृति स्ट्रेन, स्ट्रेन किसको कहते हैं? देखिए स्ट्रेन का मतलब होता है जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स हम लगाते हैं। अब बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वो फोर्स या तो उस बॉडी की शेप को चेंज कर रहा होगा या साइज को चेंज कर रहा होगा, यानी उसको एक तरह से विरूपित कर रहा है, उसको डिफॉर्म कर रहा है। इसीलिए उस बल को हम क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं, विरूपक बल कह सकते हैं। और बल लगाने की से वस्तु के शेप या साइज में चेंज आता है। अब वो शेप साइज किसी भी तरह का हो सकता है, मान लो लेंथ है उसकी तो लंबाई में चेंज हो सकता है, आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, आकार की बात कर रहे हैं आकार में चेंज हो सकता है। तो विकृति का मतलब होता है जो चेंज हुआ है उसमें, अगर लंबाई है तो लंबाई में चेंज अपॉन प्रारंभिक लंबाई, आयतन है तो आयतन में चेंज अपॉन प्रारंभिक आयतन, आकार है तो आकार में चेंज अपॉन प्रारंभिक आकार। कुल मिलाकर के ऊपर जो चीज है वही चीज नीचे है। इसका मतलब अगर आप विकृति की बात कर रहे हैं, विकृति कई तरह की होती है, वो आप आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल विकृति से ही समझ जाएंगे डायमेंशन में। तो विकृति का मतलब है कि विकृति इज इक्वल टू, यानी स्ट्रेन की आप बात करें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, अगर उसको लेंथ के लिए ले रहे हैं तो ऊपर लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा एल कह सकते हो आप उसको, अपॉन प्रारंभिक लंबाई एल, या मान लीजिए आप आयतन के टर्म में पढ़ना चाहते हो तो डेल्टा वी अपॉन वी। तो जब आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो यहां भी लंबाई में परिवर्तन मीटर अपॉन मीटर, तो डायमेंशन लेस, यहां बात करोगे तो आयतन में परिवर्तन यानी मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, तो वो भी डायमेंशन लेस। तो कुल मिलाकर के हम विकृति की जो डायमेंशन की बात करें तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी विकृति जो है वो एक विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशियों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, कोण हो गया, ध्रुव कोण हो गया और एक ये विकृति हो गई। इसके साथ साथ मैं यहाँ बात करूंगा हुक्स लॉ की। देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो अगले पॉइंट में हम यही निकल कर आगे बढ़ते आ रहे हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। अगर ये बात समझ में भी ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाला वहाँ क्लियर हो जाएंगे, हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो है विकृति के अनुपमानुपाती है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, अब ये कॉन्स्टेंट आ गया मान लीजिए ई, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। इसका मतलब E क्या आ गया? E इक्वल टू हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये E आ गया। और E को कहते हैं हम यहां प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता गुणांक कई तरह के हो सकते हैं, वो और अच्छा है उसको और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो कुल मिलाकर के प्रत्यास्थता गुणांक जिसमें शब्द लग के आ रहा होगा और उसकी विमा की बात करें, चाहे वो यंग हो या आपका बल्क मॉडुलस हो या और भी कोई नाम से हो, तो कुल मिलाकर के जिसमें प्रत्यास्थता गुणांक लग रहा है समझ लो उनकी डायमेंशन एक जैसी होनी है, और वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर। और ये क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा कि विकृति की तो कोई विमा नहीं है भाई, अभी अभी निकाली है, इसका मतलब ई की विमा किसके बराबर आ जाएगी? ई की विमा भी आपकी प्रतिबल के बराबर आ जाएगी। प्रतिबल की विमा, दाब की विमा, ई की विमा, तो सब विमाएं आपस में क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मतलब दाब की वही विमा, प्रतिबल की वही विमा, और वही विमा निकल करके आ जाएगी ई की। इसका मतलब ई की अगर आप विमा की बात करेंगे तो वही एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू अपॉन विकृति की एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो इस तरह से आप इन तीनों की डायमेंशंस को अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, मान लीजिए हम यहां बात कर रहे हैं दाब हमारा हो गया, आयतन हो गया, टेम्परेचर की लिए हमने पहले बता दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज में टेम्परेचर की जो डायमेंशन है या तो के ली जाएगी या थीटा ली जाएगी। तो वहीं से एक कॉन्स्टेंट आता है गैस नियतांक, गैस कॉन्स्टेंट, गैस नियतांक, गैस कॉन्स्टेंट।
और गैस कॉन्स्टेंट की जब भी डायनेशन तुमने देनी है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करिए, केमिस्ट्री में पढ़ते चले आते हो, PV = nRT, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप वन मोल के लिए बात करें तो PV = RT, तो PV = RT, यहां P प्रेशर है, दाब है, V वॉल्यूम है, R गैस कॉन्स्टेंट है और T टेम्परेचर है, और मुझे R की भी मान चाहिए, तो R = PV/T। P और V देखिए आगे चल के आप ये भी पढ़ोगे, P और V मिलकर के आपस में एक तरह से वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग डायमेंशन हम निकाल लेंगे। प्रेशर, प्रेशर की विमा आपके सामने लिखी हुई है, ML^-1, T^-2, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन की एल क्यू होती है, अपॉन में टेम्परेचर है ये, तो टेम्परेचर की मान लेते हैं थीटा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो एम एल की दो बचेंगी, L^(T^-2, θ^-1, तो इस तरह से आप गैस नियतांक की विमा को समझ जाएंगे। इसके बाद एक और आता है बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, बोल्ट्ज़मान नियतांक। देखिए ये सभी वर्ड मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये विमाएं वहां बीच बीच में आया करेंगी, हालांकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं वहां कोई विमा ऐसी होगी जो मैंने नहीं बताई होगी तो उसको वहां एक्सप्लेन करके चलूंगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बोल्ट्ज़मान नियतांक। बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट की बात करें तो देखिए यहां पर बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट क्या है, ये 1 मोल के लिए है, और इसको अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकालें तो उसी को बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट कहते हैं, यानी बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट डिनोटेड बाय K, और K जो होता है K = हो जाता है R/NA, जहां NA को आप अवोगाड्रो नंबर बोलते हो, अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर, और R हो गया आपका गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है, इसकी तो कोई विमा नहीं होगी, इसका मतलब के की विमा किसके बराबर हो जाएगी, आर की विमा के, यानी ML^(T^-2, θ^-1। और इसी क्रम में अगर आगे और थोड़ा सा बात की जाए, मान लीजिए हम बात करना चाह रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व की अगर कभी विमा पूछे, जड़त्व केवल जड़त्व की बात करिए, इनर्शिया की, इनर्शिया की क्या विमा होगी, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेस, किसका अपोज करता है, चेंज इन पोजीशन, इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में किसी वस्तु की पोजीशन में, अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको आप इनर्शिया कहती हो, और इसका मेजरमेंट होता है वस्तु के द्रव्यमान से, इसका मतलब इनर्शिया का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान। तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो आप एम लिख दोगे, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान से इसको मेजर किया जाता है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, हमारी एम हो जाएगी। लेकिन इसी क्रम में अगर मैं बात करूं जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण की अगर हम बात करें, जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, देखिए पहली बात यहां ये जब चैप्टर आएगा वहां और क्लियर करेंगे, हम यहां एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी के लिए कुछ अलग तरह से जड़त्व आघूर्ण सॉल्व किए जाते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उस पार्टिकल के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, इसे डिनोटेड बाय आई, तो आई जो पर हो जाता है MR². अब आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो एम की जगह एम, और आर का मतलब दूरी है, तो L², तो डायमेंशन इसकी निकल करके आ जाएगी ML², ये आपका हो गया जड़त्व आघूर्ण। इसके साथ साथ अब हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें जो एग्जाम में काफी पूछ ली जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी मानी जाती हैं, और वो है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी आप डायमेंशन निकालना चाहते हो तो इसकी डायमेंशन के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया था, पहले ही चैप्टर में उस पर हमने डिस्कस किया था, यानी प्रकृति के जो फंडामेंटल लॉज थे उसमें पहला ही था गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल,
और गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन के नियम से दिया गया था, इसमें दो मास थे m1 m2 और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी r, तो वहां उनके बीच लगने वाला फोर्स F = g m1 m2 upon r square। और हमें यहां जो डायमेंशन निकालनी है वो g की निकालनी है, g यहां पर जो नियतांक है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो g की भी मान निकालने के लिए g = हो जाएगा f r square upon m1 m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी विमा अक्सर 11th क्लास में या फिर कंपटीशन वगैरह में पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स की m f t की पावर माइनस टू और डिस्टेंस की l स्क्वायर अपॉन में m और दूसरे की भी m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m की पावर माइनस वन l क्यूब t की पावर माइनस टू। तो इस तरह से ये डायमेंशन निकल करके आ गई आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। इसी के साथ साथ चलिए हम बात करते हैं परमिटिविटी की भी, बता देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतीयता, निर्वात की विद्युतीयता जिसको आप एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ये 12th के पहले चैप्टर में आएगा और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो विमा निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा कूलम्ब के नियम पर, और कूलम्ब का ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जस्ट कंपेरेबल है इस वाले लॉ से। तो कूलम्ब का नियम क्या था कि अगर कोई दो आवेश है क्यू वन और क्यू टू और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है आर, तो वहां पर कूलम्ब के नियम के अनुसार लगने वाला फोर्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो के की वैल्यू दी जाती थी, के यहाँ एक कॉन्स्टेंट था जिसकी वैल्यू होती थी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो f = 1 upon 4 pi epsilon naught और q1 q2 upon r square, यहां से epsilon naught की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, f इधर आ जाएगा, तो 1 upon 4 pi और q1 q2 upon f r square। अब हम बात डायमेंशन की करें, देखिए अलग से अगर आप चार्ज के बारे में नहीं जानते तो चार्ज के बारे में अलग से समझ लीजिए, आवेश चार्ज, चार्ज की अगर आप डायमेंशन की बात करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाना हमेशा q = it, तो q = it से i करंट है तो उसकी a और टाइम की t, तो ये जो a t आ जाएगा या t a भी लिख सकते हो, ये विमा हो जाती है किसकी, आवेश की। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, 1 upon 4 pi ये कांस्टेंट है, q1 q2 तो a t फिर a t, इसका मतलब a t a t दो बार लिख देंगे, और अपॉन में फोर्स m l t की पावर माइनस टू और इंटू आर स्क्वायर की एल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हम यहां उसको लेकर के आ रहे हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपका एम एल क्यू और टी की पावर माइनस टू, और ऊपर की ब्रैकेट में ले जाएंगे तो एम की पावर माइनस वन, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर फोर और ए की पावर टू। तो इस तरह से ये निर्वात की विद्युतशीलता की ये विमा निकल करके आ गई, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ दो चार फिजिकल क्वांटिटी की और बात करते हैं, जैसे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो भाई उसका नाम ही टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम, यानी जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर घूम रहा है या फिर वो वाइब्रेट कर रहा है या फिर मान लीजिए वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन में एक चक्कर में जो लगा समय है उसी को आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या चीज है भाई, टाइम पीरियड तो टाइम है, और टाइम, टाइम की विमा क्या हो जाएगी, टाइम की विमा तो टाइम ही रहेगी, टी रहेगी, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो तो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड आवर्तकाल आप बोलते हैं उसको, आवर्तकाल। तो क्या होता है, ये एक समय होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एम जीरो एल जीरो टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है भाई, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं एक सेकंड में चक्करों की संख्या को, और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ही डिनोट भी करते हैं, तो एन इज इक्वल टू वन अपॉन टी, और इसकी डायमेंशन लगाएंगे तो 1 upon t हो जाएगा और ये आ जाएगा t की पावर माइनस 1। इस तरह से आवृत्ति की विमा निकल करके आ गई आपकी t की पावर माइनस 1। यही हम बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट, देखिए
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लैंक का नियतांक, प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक, जब भी प्लैंक नियतांक की बात आए तो हमें फोटोन की ऊर्जा पे आना पड़ेगा, यानी सन से जो एनर्जी आ रही है वो छोटे छोटे बंडल्स पैकेट्स के रूप में लेते हैं, और उन छोटे छोटे बंडल और पैकेट को कहते हैं फोटॉन्स। और एक फोटोन की जो एनर्जी दी जाती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है, जहां पर E क्या होता है यहां पे ऊर्जा, H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखिए, कहीं कहीं एम मान लेते हैं, कहीं पर एफ भी लिख देते हैं, कहीं पर न्यू लिख देते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां से एच की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन न्यू, और ई की डायमेंशन, ई तो भाई ऊर्जा है, एनर्जी है, तो ई हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी की अभी अभी निकाली आपने टी की पावर माइनस वन, आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। इस तरह से ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आपके सामने निकल करके आ गई। तो कुल मिलाकर के हमने 25-30 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको बता दी है, और भी आपकी बुक में एक टेबल दे रखी होगी, उससे आप प्रैक्टिस करें और कम से कम इन डायमेंशनों को निकालना सीखें। जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे मैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को आपको डीप में समझाता चलूंगा। अभी सभी की डायमेंशन निकालना आपके लिए भी मुश्किल काम रहेगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीयों की डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप इतनी तैयार करें। और अब हम जो अगला हमारा जो वीडियो होने वाला है वो यूज ऑफ डायमेंशन का होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।